यह देश की सियासत का नया मोर्चा। बुधवार को नीतीश की नाराजगी से बन गया चौथा मोर्चा। सूत्रों की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस पर सोचना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ने बुधवार को नीतीश कुमार और नवीन पटनायक दोनों से ही फोन पर बात की है। सूत्रों की माने तो इनके बीच में फेडरल फ्रंट बनाने को लेकर बातचीत हुई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो एक तीसरे मोर्चे की तरफ देख रहे हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। कोलकाता में आज जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिसके बाद फेडरल फ्रंट की हवा और तेज हो गई। दिल्ली में पटनायक की दस्तक, रैली के बहाने चौथे मोर्चे की तैयारी। दिल्ली के रामलीला मैदान में नवीन पटनायक ने उड़ीसा के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। रैली में खूब गर्जे उड़ीसा के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से उड़ीसा का हक मांगा। देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा। क्या आपको लगता है अभी अर्ली डेज? देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा। क्या आपको लगता है अभी अर्ली डेज? नवीन पटनायक से पहले नीतीश कुमार ने भी रामलीला मैदान में रैली कर बिहार का हक मांगा था। तब नीतीश बीजेपी के साथ थे और अब अलग हो रहे हैं, लिहाजा उन्होंने रैली को अपना समर्थन देकर पटनायक के साथ एक नया मोर्चा बनाने के संकेत दे दिए। पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एनडीए की टूट पर चौथे मोर्चे की नींव। नवीन पटनायक मंगलवार को ये संकेत दे चुके हैं कि अगर नीतीश एनडीए से अलग होते हैं तो नया मोर्चा बनाया जा सकता है। उन्होंने मंगलवार को कहा था, पीएम के तौर पर मोदी को अल्पसंख्यक समुदाय स्वीकार नहीं करेगा और बिहार यूपी में राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं, ऐसे में थर्ड फ्रंट का विकल्प सही होगा। जेडीयू और बीजेपी के अलावा ममता बनर्जी भी इस कुनबे के करीब आती दिख रही हैं। ममता ने फेसबुक पर लिखा, आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सभी क्षेत्रीय दलों को एकजुट होने का समय आ गया है। आइए हम सब मिलकर एक फेडरल फ्रंट तैयार करें।